जो शख्स आपको सड़कों पर दौड़ता दिखाई दे रहा है, जानते हैं इसकी उम्र क्या है? शायद पीछे से देखकर आप इसकी उम्र का अंदाजा न लगा पाएं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी उम्र 63 साल है। इनकी खासियत ये है कि हर बार अपने जन्मदिन पर जितनी उम्र होती है उतनी ही दौड़ लगाते हैं, मतलब दौड़ लगाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। जी हाँ, इनका नाम है जसमेर सिंह सिंधु, जिन्हें उनके इस कारनामे पर खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बधाई दी है और लिखा है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्लाइंग संधु एंड कांग्रेचुलेशन एट द अमेजिंग फीट, कीप गेटिंग यंगर विद ईच पासिंग ईयर। उसमें मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, उसमें वक्त डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आपको ये मेडिसिन रेगुलर लेनी पड़ेगी, तो मेरे को बड़ा चिंता हुई कि भाई ये तो अभी उम्र ही क्या है और इसमें मैं दवाइयों पर डिपेंड रहूँ या फिर मैं अपनी दवाइयों से छुटकारा कैसे पाऊँ, तो उसके लिए मैंने ये रनिंग स्टार्ट की। आपने अभी 63वें जन्मदिन पर अपने कहाँ से कहाँ दौड़ लगाई और किस तरह से आप, क्योंकि रात का टाइम होता है, ट्रैफिक भी होती है, किस तरह से कवर करते हैं? पानीपत टोल प्लाजा से मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट की थी और मैं अपने साथ दो गाड़ी रखता हूँ, एक पीछे और आगे, ताकि ट्रैफिक से भी थोड़ा सेफ्टी रहे। और मैं यहाँ से टोल प्लाजा से और ITI चौक करनाल से यू टर्न मैंने लिया और 63.63 किलोमीटर की रनिंग 7 घंटे 15 मिनट और 30 सेकंड में पूरी की। आगे आपका क्या लक्ष्य रहेगा? आगे लक्ष्य ये है कि मेरी धर्मपत्नी इस साल कोरोना में एक्सपायर हुई है, उनकी याद में गार में मैं एक रनर फाउंडेशन फॉर्म करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से मैं युवाओं को, जो टैलेंट छुपे पड़े हैं हमारे देहात में, उनको आगे लाना चाहता हूँ, ताकि वो हमारे देश का नाम आगे रोशन करें। आप किस सेहत का राज करें? मैं रनिंग तो करता ही हूँ, उसके साथ साथ खाने का भी मैं ध्यान रखता हूँ कि फास्ट फूड वगैरह, इस तरह का जंक फूड। संधू के मुताबिक 2010 में उन्हें दिल की बीमारी हुई थी, उस दौरान डॉक्टरों ने कहा था कि अब आपको दवाइयों पर डिपेंड रहना होगा, जिसके बाद संधू ने अपनी सेहत का ख्याल रखा और लगातार दौड़ना शुरू किया और खाने में अन्न न लेकर कच्ची सब्जियां और फलों को प्राथमिकता दी, साथ ही दूध और दाल को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। सुबह ग्रीन सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स और अनाज में पिछले 2 साल से नहीं खाता, और फ्रूट्स और दूध, लस्सी और दही, ये मैं खाता हूँ, जिससे और खाना ही अपना शरीर ही खुद बता देता है कि हमारे को किस चीज़ से अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, कौन से एनर्जी हम ले सकते हैं। परिवार में भी अपने बड़ों से भी प्रेरणा मिली है, कौन रहे भी? हमारे फादर बड़े मेहनती थे, हार्ड वर्किंग उन्होंने की हुई है, वो मिलिट्री में थे, उनका अंदर ऐसा स्टेमिना था दौड़ने का, चलने का, तो उनसे मैंने ये प्रेरणा मिली, मेरे फादर से। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि वो नशे से दूर रहें, अच्छा खान पान रखें और अपने शरीर को कम से कम एक घंटा सुबह जरूर दें, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और देश का भविष्य है वो उज्जवल। बता दें कि फ्लाइंग संधु के नाम से मशहूर जसमेर सिंह संधु करनाल के गगसीना गांव के रहने वाले हैं। वो 25 अगस्त को ही 63 साल के हुए हैं। उन्होंने इस उम्र में भी अपने जन्मदिन को उम्र से ज्यादा किलोमीटर तक दौड़कर मनाया। जसमेर सिंह संधु अब अपनी दिवंगत पत्नी के नाम पर एक रनर्स फाउंडेशन की स्थापना करना चाहते हैं, ताकि युवाओं को जागरूक करने के साथ साथ गांव देहात में मौजूद रनिंग और एथलेटिक्स के टैलेंट को ढूंढकर उनको डाइट और ट्रेनिंग में विश्व स्तरीय सुविधा मुहैया करवाई जा सके। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।